हेलो एंड वेलकम टू विज्ञान रिचार्ज। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिकैप। चार वैज्ञानिक जिनकी रिसर्च के दम पर मानवता आज डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के होने का दावा कर सकती है, वो थे एडविन हबल, फ्रिट्ज विकी, वेरा रूबन और एल्बर्ट आइंस्टाइन। एडविन हबल ने मिल्की वे से बाहर झांका, फ्रिट्ज विकी ने गैलेक्सीज का मास नापा, वेरा रूबन ने गैलेक्सीज की नौटंकी देखी और महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने आइंस्टाइन रिंग की भविष्यवाणी उसकी पहली तस्वीर खींचे जाने से लगभग 80 साल पहले ही कर दी थी। अब एक सलाह, पिछले पार्ट देखने से पहले ये वाला देखने पर दिमाग की वायरिंग उलट सकती है, तो पहले उसे निपटा लो और जिन्होंने वो देख लिया है वो टेंशन मत लो। अब बढ़ते हैं आगे। डार्क मैटर की खोज करने के बाद वैज्ञानिकों के दिमाग में आए दो सवाल, क्या डार्क मैटर कोई नया अनडिटेक्टेड पार्टिकल तो नहीं, और दूसरा ये कहीं ये नॉर्मल मैटर की कोई ऐसी स्टेट तो नहीं जो लाइट के साथ इंटरेक्ट न करती हो। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपके दिमाग में कबड्डी खेलते हुए बहुत सारे सवालों को निपटा देगा। वैज्ञानिकों ने उन सभी चीजों की खोजबीन शुरू कर दी जो रोशनी नहीं देती, और सबसे पहले उनके शक के दायरे में आया ब्लैक होल। पर क्यों? एक तो जबरदस्त ग्रेविटी और दूसरा एक तरफा ट्रेड, यानी सारी चीजों को ये अंदर तो खींच लेता पर देता कुछ नहीं है। और दूसरा कारण था, इन्हें भी ग्रेविटेशनल लेंजिंग की मदद से ढूंढा जा सकता था। इसके चाल चलन से ये डार्क मैटर का परफेक्ट कैंडिडेट था, या माचोज भी हो सकते थे। अब ये क्या बला है, माचोज होते हैं मैसिव कॉम्पैक्ट हेलो ऑब्जेक्ट्स, ये ना चलता, ऐसे थोड़ी समझ में आता है। इसकी पूरी जन्म कुंडली खोलनी पड़ेगी। अवश्य खोलेंगे, क्यों नहीं खोलेंगे, वैज्ञानिक गड़े मुर्दे उखाड़ने में तो हम एक्सपर्ट हैं। तो सुनो इसकी बायोग्राफी। जब एक तारा जवानी की उछल कूद के बाद बुढ़ापे में किस्तों पर सांसें ले रहा होता है तब वो चमकना बंद कर देता है, और इसी को माचो कहते हैं। अब जाहिर सी बात है ऐसे तारों का मास बहुत ही कम होगा, जिसकी वजह से वो ब्लैक होल में तो ना बदलने वाले, पर ग्रेविटी बड़ी जबरदस्त होगी। अब ये बात तो पक्की थी कि ऐसे तुक्के लगाकर कुछ हाथ ना लगने वाला था, तो वैज्ञानिकों के दिमाग में आया एक नया ख्याल, क्या पता डार्क मैटर की खोज पहले ही की जा चुकी हो और उसे ढंग से परखाना गया हो, यानी बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। फिर उनकी शक की सुई घूम गई उन सभी पार्टिकल्स जिनका चाल चलन संस्कारी पार्टिकल से तो कहीं मेल ना खा रहा था, और सबसे पहले नंबर लगा न्यूट्रिनो का। और जितनी तेजी से ये शक के दायरे में आया उतनी ही तेजी से ये बाइज्जत बरी भी हो गया, जिसका कारण था इसका बहुत ही हल्का होना। हालांकि न्यूट्रिनो भी धरती के आर पार तो निकल रहे थे, अब ये कितने हल्के थे इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि हर सेकंड हमारे शरीर से 100 ट्रिलियन न्यूट्रिनो आर पार निकल जाते हैं, इसीलिए इन्हें भूतिया पार्टिकल यानी गोस्ट पार्टिकल भी कहा जाता है। अब वैज्ञानिकों की शक की सुई घूम गई एक्सोन्स की तरफ, क्योंकि कुनबा इनका भी बहुत बड़ा था और ये बिग बैंग के साथ ही बने थे ठीक उसी समय जब डार्क मैटर भी बना था। इनके सारे लक्षण डार्क मैटर से मेल खा रहे थे, बस एक ही ऐब था, ऐब बोले तो कमी, वो ये कि ये प्रोटॉन में बदल सकते थे लेकिन डार्क मैटर तो स्टेबल था, तो डार्क मैटर होने का ताज इन्हें भी नहीं मिला। और अपने सर के सारे बाल नोचने के बाद वैज्ञानिकों ने ये मान लिया कि डार्क मैटर एक विचित्र और नए तरीके का पार्टिकल है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। अब क्योंकि वैज्ञानिक रिसर्च के नाम पर दुनिया भर का पैसा गटक चुके थे तो उन्हें दुनिया के सामने कोई ना कोई चूरण तो देना था, और उन्होंने रखा भी, और वो चूरण था एक लंबी चौड़ी बहानों की लिस्ट जिसमें वो सारे कारण लिखे थे कि जे डार्क मैटर को क्यों नहीं पकड़ सकते। लेकिन रिसर्च से एक चीज साफ हो गई थी कि डार्क मैटर बहुत धीरे चलता है। अब यहाँ धीरे का मतलब कछुए की रफ्तार मत समझना, वैज्ञानिकों का धीरे से मतलब होता है लाइट की रफ्तार से कम। एक और चीज जो रिसर्च से हाथ लगी थी वो ये थी कि डार्क मैटर ऑर्डिनरी मैटर के साथ ग्रेविटी के माध्यम से ही इंटरेक्ट कर सकता है। तभी वैज्ञानिकों को याद आया कि एक पार्टिकल है जिसके अंदर ये सारे गुण मौजूद हैं, और वो था विम्प, जिसकी फुल फॉर्म होती है वीकली इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल। हालांकि ये हाइपोथेटिकल पार्टिकल है पर वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि विम्प हमारे बीच में एग्जिस्ट करता है। भाई साहब, वैज्ञानिकों की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा वाली कहावत सच हो गई थी। अब चलते हैं उस लैब पर जो जमीन से 740 मीटर नीचे वैज्ञानिकों ने बना रखी थी। हाँ जी, यहाँ से शुरू होता है लैब का चैप्टर और वाइब्रेनियम जैसे मेटल की कहानी, जिसके लिए आपको अगले पार्ट का इंतजार बिल्कुल नहीं।
करना पड़ेगा, यही निपटाएंगे उसको भी। अब वैज्ञानिकों ने एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर विम पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए एक खास तरह की मशीन बनाई, जिसमें इस्तेमाल किया गया जर्मेनियम का। हाँ जी, यही वो मेटल है जिसे मैं धरती का वाइब्रेनियम कह रहा हूँ। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये बात वो बच्चे जो मेकाट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को अच्छे से समझते हैं उन्हें समझ में आ गई होगी। यही वो मेटल है जो वैज्ञानिकों की आखिरी उम्मीद है। अब आपके दिमाग में आएगा एक सवाल, आखिरकार जर्मेनियम में ऐसा क्या खास है और ये डार्क मैटर को कैसे पकड़ सकता है? तो देखो, जर्मेनियम एलिमेंट एटम से खचा खच भरा हुआ होता है और वैज्ञानिक इस मेटल को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर ले गए, जहां पर इसके एटम में होने वाली सारी मूवमेंट रुक गई। यहां तक सब ठीक है। अब वैज्ञानिकों को ये उम्मीद थी कि जैसे ही कोई विम पार्टिकल जो कि बहुत मैसिव होता है किसी भी जर्मेनियम के एटम के न्यूक्लियस से टकराएगा तो उस एटम के टेम्परेचर में बदलाव जरूर आएगा और ये बदलाव मशीन में डिटेक्ट हो जाएगा और आखिरकार डार्क मैटर का राज खुल जाएगा। लेकिन कमाल की बात ये थी कि वैज्ञानिकों के द्वारा इस रिसर्च पर अंधा पैसा खर्च करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। हाँ जी, आज तक एक भी डार्क मैटर पार्टिकल वैज्ञानिक डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं। और कुछ पूछो तो जी, रिसर्च चल रही है, कुछ हाथ लग गया तो जरूर बताएंगे। अब यहाँ पैदा होता है शक, काहे अमेरिका की सरकार पैसा पानी की तरह बहाए जा रही है और क्यों वैज्ञानिक हर बार वही घिसा पिटा पुराना रिकॉर्ड बजाए जा रहे हैं? जी, हमारे हाथ कुछ नहीं लगा अभी तक, कुछ तो गड़बड़ जरूर चल रही है। ऐसी कौन सी गुहियां छील रहे हैं वो जमीन के नीचे जिसे वो सबसे छुपा रही हैं? अब आपके दिमाग में एक और सवाल आएगा, आखिर वैज्ञानिक डार्क मैटर के सामने बीन क्यों बजा रहे हैं? वो नहीं मिल रहा तो छोड़ो उसका पीछा, थ्योरीज में बदलाव करो, कुछ नया सोचो। इतनी हाय तोबा डार्क मैटर के पीछे क्यों मचा रखी है? हाय तोबा मचा रखी है भाई साहब, माना वैज्ञानिकों के लिए डार्क मैटर एक ऐसी गर्लफ्रेंड है जो सारे प्रपोजल एक्सेप्ट तो कर रही है पर जवाब एक का भी नहीं दे रही। लेकिन अगर कभी उसका जवाब आया तो ये मानव इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी खोज होगी। तो उम्मीद में दुनिया कायम है और वो भी कायम है और हम भी अपनी जगह कायम है। और सख्त लौंडे के बारे में तो आप जानते ही होंगे, अपने वैज्ञानिक भी उसी तरह के हैं, इतनी आसानी से तो डार्क मैटर का पीछा ना छोड़ने वाले। डार्क मैटर की खोज होते ही हमें तुरंत पता चल जाएगा कि बिग बैंग होने के बाद अगले सेकंड के 10,000वें हिस्से में क्या हुआ था। अगर डार्क मैटर मिला तो हमारा यूनिवर्स कैसे काम करता है ये भी पता लग जाएगा, हमारे यूनिवर्स की शुरुआत कहां से हुई, इसका अंत कैसे होगा। इन सभी सवालों के जवाब मनुष्य के पास आ जाएंगे और क्या पता हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का इस्तेमाल कर पाए। आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि मनुष्य की आधारभूत जरूरतें होती है रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन विज्ञान ऐसा नहीं मानता। विज्ञान के हिसाब से इस संसार में हर जीवित प्रजाति के सिर्फ दो ही लक्ष्य हैं, पहला अपना पेट भरना और दूसरा अपनी जनसंख्या बढ़ाते रहना। लेकिन इस बात का डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से क्या लेना देना है? बिल्कुल है जी। देखो, वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि अगर हमें इनका पता चल जाए और हम इन्हें इस्तेमाल कर पाए तो हम शायद अंत सत्य से बच सके, यानी कि मनुष्यों को ब्रह्मांड के विनाश से बचाया जा सके। पर ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, वैज्ञानिकों ने इसका कोई ठोस जवाब तो नहीं दिया, तो मैं अपनी नॉलेज के आधार पर जितना मुझे पता है इन टूटे हुए तारों को जोड़ने की कोशिश करता हूँ। हमारा पूरा संसार जिसे हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, विजिबल मैटर से बना है। आपका और मेरा शरीर भी ऑर्डिनरी मैटर से बना है और हमें ऊर्जा भी ऑर्डिनरी मैटर से ही मिलती है। पर ये ऑर्डिनरी मैटर तो सिर्फ 4-6% के बीच में है। जिस दुनिया में हम रहते हैं वहाँ लाइट से तेज कुछ भी नहीं है, पर क्वांटम मैकेनिक्स इस बात पर सहमत नहीं है, वो तो कुछ और ही बता रहा है जिसकी परतें अभी तो बस खुलनी ही शुरू हुई हैं। अगर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी हमारे हाथ लग जाए तो क्या पता हमारी ऊर्जा की जरूरतें समाप्त हो जाए, क्या पता लाइट की रफ्तार से भी तेज ट्रेवल किया जा सके, क्या पता हम बूढ़े ही ना हो, कभी बीमार ही ना हो, हम आने वाली पीढ़ी के लिए किसी नई गैलेक्सी में नया घर भी ढूंढ सकते हैं, या जो नुकसान हम कर चुके हैं क्या पता उसे किसी तरह से रोक पाए, क्या पता डार्क मैटर की सहायता से ऑर्डिनरी मैटर भी बनाया जा सके। अब ये सारी थ्योरीज मेरी अपनी है जिनको प्रूव करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है। अगर आप इससे सहमत ना भी हो तो भी चलेगा, आप खुद की भी बना सकते हो। लेकिन अगर किसी की थ्योरी प्रूव हो गई तो इतिहास में नाम याद रखा जाएगा। यहाँ एक बात ऐड करनी और जरूरी है कि जो भी चीजें मैंने बताई इनका उल्टा भी हो सकता है। अगर हमारे हाथ डार्क मैटर और डार्क एनर्जी लग जाए और उसे हम संभाल ना पाए तो दुनिया के अंत का चलान कटना पक्का है। अब यहाँ आता है एक सवाल, वो सब तो ठीक है पर उस 73% का क्या हुआ जिससे मिलकर पूरा ब्रह्मांड बना है, यानी डार्क एनर्जी, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। देखो भैया, सच तो ये है कि हमसे ज्यादा वैज्ञानिक परेशान है, क्योंकि ये यूनिवर्स
की सबसे ताकतवर चीज है। इसका नेचर रिपल्सिव है जो अपने दम पर गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर भेज रही है। विज्ञान को हमेशा से यही लगता था कि भले ही गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हो, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब ग्रेविटी मोमेंटम पर हावी हो जाएगी। पर यूनिवर्स के एक्सपेंशन का इतिहास देखने के बाद वैज्ञानिक हैरान हो गए, क्योंकि ये धीरे नहीं हो रही बल्कि और तेज होती जा रही है। अब आगे क्या होगा? स्पेस एक्सपेंड हो रहा है तो हमारी धरती या हमारा सोलर सिस्टम एक्सपेंड क्यों नहीं हो रहा? आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि डार्क एनर्जी की थ्योरी को इतिहास के सबसे महान वैज्ञानिक यानी थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कचरे के डिब्बे में फेंक दिया था और बाद में ये कहा था कि ये उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। पर ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? क्या थी वो चीज जो सिर्फ अल्बर्ट आइंस्टाइन को ही पता थी? और उन्होंने बाद में क्या बताया? कैसे वो अकेला आदमी दुनिया से 100 साल आगे था? अब बारी है डार्क एनर्जी से जुड़े हुए गड़े मुर्दे उखाड़ने की। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।